वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमून। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आया हूँ दोबारा और एक वीडियो लेकर। हाँ दोस्तों, ये मिल्टन का एक फ्लक्स का वीडियो है और आपको ये पैकेज मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ 603 रुपीज़ से। हाँ दोस्तों, तो इसको अनबॉक्सिंग आज करूँगा आप लोगों के सामने। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये मिल्टन एलियट एक फ्लक्स बॉटल है और इसका MRP भी मैं दिखा दूंगा। इसका MRP 860 रुपीज़ है। तो बिना किसी देर के दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और जब तक मैं इसको ओपन करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे संग बने रहे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आप हम मेरा तो दोस्त है और मैं दोस्त का हेल्प भी हो जाएगा। और देखिए, ये पूरा तरह सील्ड पैक आया है और फ्रेजाइल लिखा गया है। देखता हूँ अंदर से जो प्रोडक्ट निकलता है वो उसमें कोई डेंट वेंट आता है या नहीं आता है। तो बिना किसी देर के मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है। तो इसके लिए मेरे को कच्ची चाहिए, मेरा सीज़र। तो ये मेरा सीज़र आ गया है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ अंदर से क्या निकलता है दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर ये ज़्यादा एकदम अनकट, अभी तक तो अनकट किया है, अनकट वीडियो है। तो ये मिल्टन आ गया है, मिल्टन का बॉक्स आप इसमें देख सकते हो। मिल्टन एल्फिन, मैंने एलियट कहा था ना, एल्फिन ए 750 ml का एक फ्लक्स है और काफ़ी बड़ा बॉक्स आया है, दिख रहा हूँ। बॉक्स तो काफ़ी बड़ा है, देखता हूँ अंदर के में जो स्टेनलेस स्टील का जो बॉटल है वो कैसा है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड रहेगा और इसमें 2 ईयर्स का वारंटी भी मिला है। लिखा गया था 2 ईयर्स का वारंटी, पर मालूम नहीं। और इसमें क्या कुछ फीचर्स है आप वीडियो पॉज करके आप देख सकोगे। अंदर की तरफ एक जो कॉपर का एक लेयर बनाया गया है और मैं इसको स्काई ब्लू कलर में परचेस किया हूँ। और 860 रुपीज़ इसका MRP आप क्लियरली देख सकते हो, जबकि मेरे को 603 रुपीज़ पड़ा। तो देख लेता हूँ अंदर में प्रोडक्ट कैसा है, इसमें कोई डेंट फेंट है भी या नहीं है, या फिर अच्छा है। तो बिना किसी देर के ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा मुशक्कत करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों मैं एक हाथ से वीडियो कर रहा हूँ और एक हाथ से ओपन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। अभी थोड़ा शायद पॉज करना पड़ेगा इसको ओपन करने के लिए। तो देखता हूँ ओपन हो जाता है क्या नहीं। तो दोस्तों पॉज नहीं करना पड़ा, अभी तो ओपन हो चुका है। और ये बबल रैप में इसको मुड़ा गया है, काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट दिख रहा है। बॉटल का साइज काफ़ी बड़ा है, अगर आप खुद नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का बॉटल से आप कंपेयर करोगे तो ये 1 लीटर के बॉटल की माफिक इसका साइज है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना आपका वीडियो पसंद आता है। तो अभी बने रहे, अभी तो अनबॉक्सिंग हुआ है, इसका रिव्यू भी मैं करके बताऊँगा। और ये देखिए मिल्टन इसके जो है 2020 का बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग है अप्रैल का। और ये स्टेनलेस स्टील 304 स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है, ठीक है ना। इसका ढक्कन भी स्टेनलेस स्टील है और ढक्कन को ओपन करके देख लेता हूँ अंदर की तरफ कैसा बनाया गया है। और इसके जो कलर है, कलर भी काफ़ी अच्छा पेंट किया गया है। और अंदर की तरफ देख लेता हूँ कैसा आता है। तो ढक्कन पहले तो बहुत ही टाइट है, इसको ओपन कर लिया और आप देख सकते हो अंदर की तरफ एक रबर है और प्लास्टिक का कोटिंग है। काफ़ी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और 750 ml का ये फ्लक्स है, मिल्टन थर्मा स्टील एल्फिन। और अंदर की तरफ स्टेनलेस स्टील का है और कॉपर का है, ये कंपनी का कहना है। और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट दिख रहा है अभी तक तो। और दोस्तों मेरे पास दूसरी फ्लक्स भी है, उसको भी मैं इसके संग कंपेयर करूँगा वीडियो की एंड पर। आप बिल्कुल इसको चैनल पे बने रहिए उसको कंपैरिजन देखने के लिए। इसका ढक्कन काफ़ी बढ़िया है और अगर गिरेगा तो आसानी से टूटेगा नहीं। जबकि सेलो का भी मेरे पास एक था, उसका ढक्कन टूट गया था तो इसलिए मैंने उसको वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। मिल्टन में यही है कि ढक्कन भी स्टेनलेस स्टील का है तो आसानी से टूटेगा नहीं।
आपका जो है ये डेंट आएगा पर टूटेगा नहीं। मेरे पास मिल्टन का और भी दो फ्लास्क घर में पड़ा हुआ है और दोनों ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक तो रेड कलर का है, उसका रंग थोड़ा उड़ गया है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना? रंग थोड़ा उड़ गया है तो फिर कोई बात नहीं। इसका ढक्कन देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया ढक्कन है। और अभी मैं बिना किसी देर के मेरा प्रोडक्ट को पहले अच्छी तरह दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आप अगर परचेस करना चाहो तो कम कंपेरिजन वाइज थोड़ा कम प्राइस पे अच्छा फ्लास्क आपका चाहिए तो ये वाला फ्लास्क आप ले सकते हो। और इसमें आप ठंडे पानी या फिर गर्म पानी हो या कुछ भी हो 24 आवर्स तक रहेगा, और ये प्रूवन फैक्ट है, आपका 24 आवर्स रहेगा ही, उसके बाद आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद ये मिल्टन का फ्लास्क बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना? तो अंदर की तरफ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट चला के भी दिखाऊंगा, तो देख लीजिए। एक ब्लैक स्पॉट आपको लाइट में दिख रहा है, ब्लर, ये ब्लैक स्पॉट नहीं है, वो कैमरा की जो जो है लाइट लाइट पर के ऐसा रिफ्लेक्शन के थ्रू ऐसा दिख रहा है, वरना प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का ही है, 304 स्टेनलेस स्टील। हाँ दोस्तों, इसमें मैग्नेट पकड़ेगा पर रस्ट नहीं आएगा। मैंने इसको मैग्नेट पकड़ा के भी दिखाया था, तो इसमें मैग्नेट पकड़ेगा पर रस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपका कोई परेशानी होने की कोई बात नहीं अगर मैग्नेट पकड़ता है, पर ये नीचे की तरफ मैग्नेट नहीं पकड़ेगा, बॉडी पे आपका मैग्नेट पकड़ेगा, ठीक है? और इसका बाइंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे लेकर आप इसको परचेस कर सकोगे। और मेरा दूसरा वाला जो फ्लास्क है जो वीडियो के एंड पे मैं दिखाऊंगा, तो वो फ्लास्क का भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो उसमें से भी आप परचेस कर सकोगे। वीडियो लिंक भी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वही जो फ्लास्क मैं अब दिखाने वाला हूँ वो सभी का जो है वीडियो मैंने यूट्यूब पे छोड़ा है, तो आप चाहे तो उन फ्लास्क के संग वीडियो देखकर इसके संग कंपेरिजन आप कर सकते हो, ठीक है ना? पर अगर आपका चाहिए एक छोटा फ्लास्क या हैंडी फ्लास्क, तो इसके भी छोटा एक फ्लास्क है रेड कलर का, मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ, तो वो फ्लास्क ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ये मेरे पास 3 ठो फ्लास्क है और 2 ठो स्टेनलेस स्टील का बॉटल है दोस्त। ये दो है, ये नॉर्मल स्टेनलेस स्टील मिल्टन का बॉटल है, ये फ्लास्क नहीं है, तो इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। ये 900 ml का दोनों है, ठीक है ना? और अभी देखिए, रेड वाला है, रेड वाला 700 ml का फ्लास्क है, ये काफ़ी बढ़िया है। और इसका भी मैंने 700 समथिंग में परचेस किया था, इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकोगे। ये मेरा मैंने अभी भी परचेस किया है 750 ml का, और ये मेरा 1 लीटर का है मिल्टन थर्मो स्टील बड़ा वाला, इसको मैं हर रोज इस्तेमाल करता हूँ, और 2-3 बार मेरे हाथ से पट नीचे में गिर गया था, और गिरने के बाद डेंट भी आया था, और डेंट में 2-3 डेंट मैंने निकाल लिया था, तो काफ़ी क्वालिटी अच्छा है, अभी तक काम कर रहा है, लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर कहीं से भी लीक नहीं होता है। ये सभी बॉटल बहुत ही बढ़िया है, ये 2 बॉटल स्टेनलेस स्टील का है, पर ये 2 बॉटल फ्लास्क नहीं है। अगर आप नॉर्मल बॉटल लेना चाहोगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा प्लास्टिक बोतल में पानी पीना बहुत ही डेंजरस है हेल्थ के लिए, तो अगर आप स्टेनलेस स्टील बोतल में पानी पीना चाहोगे तो ये दोनों बोतल बहुत ही बढ़िया है, 900 ml का, इसका 750 ml भी मिलता है, और इसका प्राइस भी 300 या 350 ऐसा है, पर ये बोतल सबसे बढ़िया है, छोटा में बहुत ही अच्छा है। और इसका रंग थोड़ा उड़ गया है, क्योंकि मैं बहुत सालों एक साल से हो चुका है, एक साल मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये वाला नया वाला है 304 स्टेनलेस स्टील, मैंने परचेस किया है, नीचे की तरफ पेंट नहीं किया गया है, इससे बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि रंग नहीं उड़ने की कोई डर नहीं। और दूसरी वाला आप देख सकते हो, 1 लीटर का मेरे पास साइड में रखा गया है, तो इसका हाइट ऑलमोस्ट 1 लीटर की हाइट की तरह है, ठीक है ना? तो ये भी थर्मो स्टील का ही है, अगर आपका ज़रूरत की वाइज आप परचेस कीजिए जितना आपका चाहिए, तो प्राइस ऑलमोस्ट आपको 800 rupees के अंदर में ही सब मिल जाएगा, ठीक है ना? फ्लास्क का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, रेड वाला 750, ये भी 750 ऐसे ही कुछ प्राइस था, ठीक है ना?
सबसे बढ़िया फ्लक्स आपको रेड वाला में मिलेगा, उसके बाद आपको ये दोनों मिलेगा, ठीक है ना। सबसे बढ़िया फ्लक्स आपको रेड वाला में बिल्कुल टेम्परेचर एकदम बराबर रहता है, और उसके बाद ये है। पर ये वॉशिंग करने में थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि रेड वाले में जो मुंह का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है। तो आपको इन सभी फ्लक्स को अगर आप क्लीन करना कैसे चाहोगे, तो आप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान नहीं है। आपको बारी घर में तो विनीगर नहीं होगा, विनीगर ठीक है ना, विनीगर में थोड़ा सा आप सॉल्ट मिला दीजिए और थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, और अच्छी तरह ये तो सभी बोतल को सेक कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो एक स्टील वाला जो बॉटल है एकदम